दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के विरुद्ध बीजेपी के दिल्ली विंग के नेताओं ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय वरुणालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी के अलावा कई विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। तो ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है, दिल्ली बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन, और वो भी आम आदमी पार्टी के विरुद्ध। एक बड़ी खबर इस समय, केजरीवाल सरकार के विरुद्ध बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। ये मोर्चा दिल्ली बीजेपी ने खोल दिया है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के कारण बीजेपी के ये कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और ये प्रदर्शन चल रहा है। सैकड़ों करोड़ के घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा है। बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय, जिसे कि वरुणालय कहा जाता है, उसके बाहर इकट्ठा हैं और यहां पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी मौजूद हैं। इस प्रदर्शन की अगुवाई वो कर रहे हैं।